ये जो हमने बताया आपको क्वालिटी और क्वांटिटी, ये चीज़ पे आपको पूरा का पूरा ख्याल रखना, ठीक है ना। क्वालिटी और क्वांटिटी से होगा ये कस्टमर अट्रैक्ट होगा, उसके बाद आपको सामने वाले को बीट करने के लिए यही एक मौका है, ठीक है ना। कि लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर का बेल अवश्य प्रेस कीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों हम बात करेंगे, दोस्तों मैं छोटा बिजनेस का दोस्तों ओनर और मेरा नाम दोस्तों भरत कुमार है। तो दोस्तों मसाले बिजनेस की आप सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और कृपया करके अगर आप मसाले का बिजनेस कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे आप सेल्स और टेक्निक्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपने मसाले बिजनेस की सेल्स कैसे बढ़ाएं और किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरी वीडियो वॉच कीजिए और कृपया करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप भी अगर मसाले का बिजनेस कर रहे हो और कहीं आपकी सेल अगर कम हो रही है, अगर मान लीजिए आपका सेल नहीं हो रहा अच्छी तरीके, तो आप अपनी सेल को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मसाला बिजनेस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी और क्वांटिटी, क्या मैंने कहा, क्वालिटी और क्वांटिटी, इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है दोस्तों। अगर आप जो मार्केट में लोग कर रहे हैं अगर उसी तरह से आप भी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर आपका बिजनेस करने का। दोस्तों अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसमें क्या नया कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी अगर 20 ग्राम दे रहा है तो आपको 25 ग्राम देना, तो इससे होगा ये कि आपको क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा देना है। नया अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया तो आपको क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका कारण क्या है वो दोस्तों, मार्केट में आपका जब भी प्रोडक्ट जाता है तो जब भी कंज्यूमर या कस्टमर जो भी खरीदेगा तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसके प्रोडक्ट में 5 या 10 ग्राम हमें हमेशा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी रखनी है। तो दोस्तों आपको करना यह है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस कर रहा है मसाले का, ठीक है ना, उसका प्रोडक्ट अच्छा खासा चल रहा है, तो आपको उसको बीट करने के लिए, बीट यानी डाउन करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को अप करने के लिए आपको करना यही होगा दोस्तों कि आपको क्वांटिटी और क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब भी आपका प्रोडक्ट दोस्तों मार्केट में चल पाएगा, ठीक है ना। तब भी और उसके बाद आप देख लीजिए गलती कहाँ हो रही है, पूरे अपने बिजनेस का जो भी आपने पैकेजिंग कर रखा है, जो भी आपने लोगो वगैरह लगा रखा है उसमें देखिए, मतलब एनालिसिस कीजिए कि उसमें कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और एक अट्रैक्टिव पैकिंग कीजिए जिससे आपका मतलब मांग अच्छा खासा मार्केट में चले और कस्टमर के पास जाते ही उसको लगे कि हाँ ये बंदा, ये प्रोडक्ट हमें काफ़ी बेस्ट और काफ़ी बढ़िया लगा। तो इसी तरह से आप क्वालिटी और क्वांटिटी और उसके बाद आपको पैकिंग अट्रैक्टिव रखना है और जो लोग कर रहे हैं उनसे कुछ हट के कीजिए। तो इसको क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको एकदम ओरिजिनल, उसमें मिलावट नहीं करना है, एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट देना है जिससे कि कस्टमर एक बार ले जाए तो उस पर आप लिख सकते हैं, कुछ टैग लाइन भी डाल सकते हैं कि एकदम रियल हेल्दी, ठीक है ना, नो मिलावट। ये जो हमने बताया आपको क्वालिटी और क्वांटिटी, ये चीज़ पे आपको पूरा का पूरा ख्याल रखना, ठीक है ना। क्वालिटी और क्वांटिटी से होगा ये कस्टमर अट्रैक्ट होगा, उसके बाद आपको सामने वाले को बीट करने के लिए यही एक मौका है, ठीक है ना दोस्तों। अगर उसे बीट करना है, अगर आप अपना ब्रांड मार्केट में लाना चाहते हैं तो उसको इस तरह से आप ला सकते हैं। और दोस्तों एडवर्टीजमेंट भी आपको करवाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट ये इस चीज़ का आपको देखना, पूरा ख्याल रखना है। ऐसा क्या करेगी कस्टमर खुद आपका मतलब एडवर्टीजमेंट करे, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी आपका कस्टमर भी आपका प्रोडक्ट का खुद एडवर्टीज करेगा। तो इससे होगा कि खुद दूसरों को रिकमेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट लो, इसमें ऐसा है वैसा है, जो भी है बढ़िया क्वालिटी आप इम्प्रूव करेंगे तो उसके बारे में बताएगा। इस तरह से कुछ अपना प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरह से अगर आपका नया बिजनेस है तो आपके लिए भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो भी आप ये टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहती है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।